वेलकम बैक टू अवर राजस्थान ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं जैसलमेर फोर्ट नाइट में एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी यहाँ से देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है इस फोर्ट का, जो इस पर लाइटिंग पड़ रही है, जिसको पूरा गोल्डन बना रही है। तो इसी रीजन की वजह से मैंने कल भी बताया जिसको गोल्डन सिटी कहता है। तो अभी हम इसके अंदर चलते हैं, तो आप अंदर पहले देख लो कि गलियों में कैसे हम बाइक लेके अंदर तक जाते हैं बिल्कुल फोर्ट के, और एंड में हम जाके एक रेस्टोरेंट पे डिनर करने वाले हैं। तो हमारी ये प्लान आज का, हम यहाँ पे डिनर करेंगे और उसके बाद रात को हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए यहाँ से निकल लेंगे। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा फोर्ट दिखा लेता हूँ, और ये प्रॉपर हमें मार्केट के अंदर से, फोर्ट के अंदर भी मार्केट है, उसके अंदर से हमें लेके जाएगा और हम अपनी डेस्टिनेशन में पहले डिनर करेंगे और उसके बाद हम वहाँ से निकल लेंगे। तो मैं आप लोगों को अंदर जा कर मिलता हूँ, वहाँ हम बात करते हैं। जब तक आप इस फोर्ट की ब्यूटी को इंजॉय कीजिए। तो अगर आप लोगों को शॉपिंग करना पसंद है ना, तो आप लोगों के लिए महल एक जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतने राजस्थानी ट्रेडिशनल स्टाइल कपड़े मिलते हैं, और ये पतली पतली गलियों में इतनी दुकानें, और ये दुकानें इतनी पुरानी है ना, कि आपको यहाँ पे हर कुछ मिल जाएगा जो राजस्थान से आप रिलेट कर पाएंगे। राजस्थान कल्चर के रिगार्डिंग होगा सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। तो आप लोग अगर इधर आते हैं तो आप मेक श्योर कि आप ये एक्सप्लोर करो, यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर करो। तो ये यहीं के लोगों की दुकानें हैं, यहीं पे लोग रहते थे, स्टार्टिंग से लोग रह रहे हैं, तब अपना हाथों से चीज़ें बनाते हैं और वो बेचते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा पार्ट है इस महल के अंदर जो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। देख रहे हो क्या मस्त मस्त गलियों में आना पड़ता है महल के अंदर। अभी देखते हैं ऊपर जाके कौन सा कर सकते हैं, ये कौन सा है? मुझे कुछ व्यू देखना है भाई, व्यू किस तरह से वो देखते हैं। क्या मैं देख के आऊं, वेट करोगे? हाँ, हेलमेट ये रखा है, सारा सामान चीज है, बंद कर लो कुछ। और मैं रेस्टोरेंट की तलाश में था जिससे अच्छा व्यू आए, तो भूपेंद्र भाई ने मेरे को सजेस्ट किया है ये वाला ना भाई, सूर्या रेस्टोरेंट, इससे भी बहुत बेस्ट आएगा, उसका खाना भी बहुत बेस्ट। भूपेंद्र भाई को सवाल क्यों नहीं जाए। अभी मैं सामान ले आऊंगा, चल रहे हैं। हम ना दिल्ली की गाँव में रहने के बाद ना ये सोचते कि अभी महलों में रहने का मौका मिलेगा हमें, यहाँ थोड़ा प्रॉपर महल में रह रहे हो। थैंक यू, वेलकम। बिल्कुल अच्छा खिला रहे ना, अच्छा फ्रेश और अच्छा। हाँ, आ गए यार, क्या ही वेदर हो रखा है और क्या ही खतरनाक यहाँ से व्यू आ रहा है। ठीक है, ऊपर जाने का रास्ता है, जा सकते हैं ऊपर। तो बहुत प्यारा बना रहा था, मेरा बैग महल और ये रहा पूरी। हाँ।
और सच में मुझे नहीं पता था कि महल में भी ये होटल मिलते हैं रेंट पे। नेक्स्ट टाइम आऊँगा मैं तो यहाँ रुकने वाला हूँ। एक दो के कार्ड ले लिए, एक दो भाई से बात भी हुई है, तो कहते हैं भाई मोस्ट वेलकम आओ। तो आप लोग भी जैसलमेर आओ ना तो ये देख लो कि आप महल में रुक सकते हो, चांस आपके पास तो महल के अंदर होटल बुक करा। अब खाना ऑर्डर करते हैं, खाना खाते आ जाओ नीचे। व्यू बहुत प्यारा है, पीछे से व्यू देख लो, पूरा महल है, पूरा वहाँ पर महल है। महल बहुत बड़ा है, मैंने बताया था, महल बहुत बड़ा है, 4000 से ज़्यादा लोग रहते हैं इसके अंदर। घर है, होटल है, दुकान है, हर चीज़ है इसके अंदर, सब कुछ है। जैसे वो होते ना मोहल्ले बना देते हैं, मोहल्ले बने हुए हैं, ये अलग मोहल्ला है, वो अलग मोहल्ला है, वहाँ जाओ फिर पीपल का पेड़। मैंने कहा तो महल का व्यू बहुत प्यारा लग रहा है, आओ नीचे चलते हैं कुछ ऑर्डर करते हैं। राजस्थानी थाली में क्या क्या होता है? राजस्थानी थाली में सब कटहरी है, और क्या सामग्री है, कढ़ी पकौड़ा है, चपाती है। थैंक यू भाई। ओके तो फाइनली अपना खाना आ चुका है। खाने में क्या सांगरिया की सब्जी है, ये कढ़ी है, दही, चावल, पापड़, रोटी, सैलेड, और ये है शायद वो गट्टे की सब्जी, और अलग से एक पनीर और मंगाया है। देख के तो बड़ा मस्त लग रहा है, खा के भी देखते हैं, पहले गट्टे की सब्जी खाते हैं। ये वो वही रख देना, करना ये खाना है। और भाई ये व्यू है, तो बताओ अब खाना पसंद क्यों नहीं आ रहा? तो मैं खाना खा लूं, ठंडा हो रहा है, ठंडा, तो उसके बाद बात करते हैं। तो अभी जो हम फोर्ट के अंदर था, सूर्य जैसलमेर फोर्ट में हम खाना खाने आए थे रेस्टोरेंट में, तो ये भाई वहाँ के हैं, तो ये आपको इसके बारे में बता देंगे, क्योंकि मुझे भी पहले नॉलेज नहीं थी कि यहाँ होटल भी मिल जाता है, तो आपको होटल भी मिल जाएगा, तो इन फ्यूचर में कभी भी आना हो, खाना बहुत अच्छा है। और भाई आप हमें डिटेल बता दो कि किसी को आने को तो कैसे आ पाएगा। वेलकम सर, मेरा नाम है सकूर खान, मतलब तो होटल से बोल रहा हूँ, सूर्य होटल जैसलमेर किले के अंदर है, यहाँ रूम मिलते हैं बहुत बड़े अच्छे मिलते हैं, सिटी व्यू बालकनी, अगर किसी को रुकना है तो वेलकम, कभी भी कॉल कर सकते हैं, आ सकते हैं, एकदम बढ़िया रूम मिलेगा, सिटी व्यू, रूफटॉप रेस्टोरेंट। तो आप ना अपना नंबर बता दो, किसी को आपसे बात करनी होगी तो वहीं से कॉल करके पहले बुकिंग करा लेगा। नंबर मेरा सर 9982193701701। तो स्कूल भाई डेफिनेटली किसी भाई को भी जरूरत होगी, नहीं तो मैं हर साल आता हूँ, नेक्स्ट टाइम तो मेरा डेफिनेटली प्लान है, क्योंकि होता है ना कि हर बार कुछ रह जाता है, अब की बार मेरा रह गया कि मेरे को किले में रहना था और मैं नहीं रह पाया, ठीक है। और आपकी डिटेल मैं नीचे मेंशन भी कर दूंगा, जिस भी भाई को आना होगा यहाँ आएगा। रूम में मैं अभी रुका नहीं हूँ, बट खाने की मैं गारंटी देता हूँ, खाना बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे, खाना बहुत अच्छा, बिल्कुल, हम आपकी डिटेल पूरी डाल देंगे और पक्का मिलेंगे आपसे। डिनर हो गए, तो अब एक लास्ट चाय लेते हैं, 8:30 हो गया टाइम, तो 9 बजे तक हम निकल लेंगे यहाँ से। और उससे बड़ी बात, टेम्परेचर अभी यहाँ 21 है और अभी डाउन होता जाएगा, तो ठंड है। और उससे भी बड़ी बचड़ा पता है क्या, मैंने बैग बांध दिया है और उसमें मैंने अपना इनर रख दिया, इनर जो इस जैकेट के अंदर पहनते तो हवा लगने देता, तो अभी तो मेरा बैग खोलने का बिल्कुल मन नहीं है, तो अगर रास्ते में ठंड लगेगी तो किसी होटल पर उसे खोल लेंगे। तो अब चाय पी के ना थोड़ी एनर्जी लेकर निकलते हैं, क्योंकि आज रात को राइड करना है, तो मैं आपको बाइक पर मिलता हूँ। बाइक